नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम बात कर रहे हैं तर्कम सध्यान जी की किताब कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, जिसमें से हम आज उनका तीसरा चैप्टर कर्म एंड ओमिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे लेखक लिखते हैं कर्म की कर्म का जो अनुवाद किया गया है वो कार्रवाई के रूप में किया गया है, मतलब एक्शन बताया गया है। हर बार जब हम कर्म के बारे में बोलते हैं तो हमारा कोई एक्शन को वो इंडिकेट करता है, भले ही वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो, पर कोई भी एक कार्य जब हम करते हैं तो उसी को कर्म है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। जो कहानी का उपेक्षित हिस्सा या इग्नोर्ड पार्ट जो है वो हमारे कर्म के प्रति हमारा अज्ञान, लापरवाही, इनकारी, असावधानी, चूक या मूर्खता से भी बनते हैं। जब हम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में कोई ऐसी स्थिति की ओर निष्क्रिय रहते हैं जिसे संभालने या अंतर्क्रिया या प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, तब भी हम एक बड़ी मात्रा का कर्म बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ में हमें रिएक्ट करना चाहिए और हम नहीं रिएक्ट करते हैं तब भी हम कर्म, बड़ा भारी कर्म करते हैं। मान लीजिए एक आदमी अपने घर के आसपास के कीटाणु की बढ़ती मात्रा के प्रति अगर उदासीन हो और उसकी गलियों में बढ़ती हुई जो क्राइम, उसके लिए भी वो केयरफुल ना हो, या एक राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोह जैसा ऐसा अगर सिचुएशन में अगर हम अलर्ट ना रहें तो तब क्या होगा। इसके लिए लेखक लिख रहे हैं जब कोई व्यक्ति प्रकाश को अंधेरे में नहीं लेके आता है तो उसे अंधेरा निगल जाता है। जब कोई मतलब अज्ञानता को दूर नहीं करता है तो उस अज्ञानता उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसका भविष्य वहीं नष्ट कर देता है। लेखक लिखते हैं मेरे पड़ोसी की एक झील थी, मैंने उससे बताया कि उसमें कुछ खतरनाक खरपतवार या फिर डेंजरस वीड्स उगने शुरू हो गए थे, पर उसने मेरी बात को में कोई दिलचस्पी नहीं ली और एक साथ बाद झील में मातम की तरह गायब हो गया। उस झील को साफ करने के लिए इतना पैसा और समय खर्च हुआ और उस साफ़ सफाई के दौरान उस व्यक्ति जो उनकी पड़ोसी था उसका निधन भी हो गया। तो इस तरह से जो अंधेरे, जो वहाँ पे अंधेरे को बात करना है, अंधेरे को मिटाना है के लिए लाइट चाहिए, तो हमें जब एक्शन लेना होता है, अगर हम नहीं करते हैं तो भी कर्म होता है। उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया है, एक डॉक्टर ने एक आदमी को उसके जो उसमें कुछ जहरीले कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसे करने से उपेक्षा की और उसके सभी हिस्से में ये जो कीड़े थे उन्होंने हर तरह से उनको हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई। और वो लेखक ये भी लिखते हैं, देखिए कुछ राष्ट्र और अपने पड़ोसी राष्ट्र के भीतर अज्ञानता, अपराध, भ्रष्टाचार को देखते हुए आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ दशकों के बाद यही तरीके या यही साधनों के माध्यम से पड़ोसी में जो चल रहा है पड़ोसी देश में, वो उनका खुद का देश भी उसमें इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। जब अगर कोई खुद को बचाने के लिए तैयार नहीं है तो वो पड़ोसी उन्हें गुलाम बना लेता है। तो बेहतर होगा कि हमारा अगर पड़ोसी अंधेरे में है तो उन्हें शिक्षित किया जाए, तो ही आपका राष्ट्र बहुत जल्द मतलब अच्छा रहेगा, नहीं तो वो पड़ोसी के वो अज्ञानता उसे निगल जाएगी। लोग जो सहिष्णुता या फिर जो टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, जो गलत चीज़ हमारे साथ हो रहा है तो थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस इस सब का उपयोग करने के लिए यहाँ पे जो डार्क फोर्सेस हैं वो बहुत चालाक है बता रहे हैं लेखक। मतलब इस चीज़ को कब यूज़ करना है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुन लीजिए। सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है कि लोग आपका आनंद, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, आपकी रोटी, आपका घर, आपका सम्मान और आपका अधिकार को नष्ट कर लें, छीन लें या फिर चोरी कर लें। यदि आप उन्हें ऐसा करने देते हैं तो आप एक बड़ा कर्म बनाते हैं। सोच लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें कोई हमारे जो उन्होंने मेंशन किया आनंद, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, रोटी, घर, सम्मान, अधिकार, ये सब में कोई अगर हमें मतलब ठेस पहुंचा रहा है या फिर कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है तो बेहतर है हम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करें, नहीं तो बड़ा कर्म बनाते हैं। लापरवाही, अपराध की वृद्धि और भ्रष्टाचार की व्यापकता और हमारी नैतिकता का पतन के लिए जिम्मेदार है।
ये तीनों ही चीज़ जिम्मेदार है बता रहे हैं। हमने दीमक को अपने घर में घुसने के और नष्ट करने के लिए अनुमति दी तो हमारे लोग सभी सिद्धांत दर्शन हमारी पूजा साधना और उन सबको नष्ट करने के लिए भी अनुमति दे दी है क्योंकि उस तरह से हमारे जीवन से वो पवित्रता बाष्पित या इवेपोरेट हो जाती है। सहिष्णुता और धैर्य मतलब जो टॉलरेंस एंड पेशेंस जैसे शब्द का उपयोग कुछ लोग ऐसे करते हैं जो जानते हैं कि इस शब्द का उपयोग वास्तविक उसके मीनिंग के खिलाफ किया जाता है। सहिष्णुता का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, तभी हमें टॉलरेंट बनना चाहिए जब कोई लोगों के एक्शन में अगर सौंदर्य सच्चाई धार्मिकता खुशी स्वतंत्रता प्रयास या बलिदान सेवा उस तरह का कुछ चीज़ों से अगर नियंत्रित हो तभी हमें टॉलरेंस दिखाना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ सुंदर बनाने के लिए वो समय ले रहा है या हमें तकलीफ़ हो रही है लेकिन वो सुंदरता के लिए हम वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पेशेंट रहें या फिर टॉलरेंट रहें तभी ठीक है, लेकिन कोई हमें नुकसान पहुँचा रहा है वहाँ पे हमें टॉलरेंट नहीं रहना है। धैर्य उस व्यक्ति की चेतना का स्थिति है जिसके खिलाफ जारी किए गए जो तीर उसके पास जा रहे हैं उसके लिए जो उसके खिलाफ जो तीर छोड़े जा रहे हैं उसकी चिंता ना करके वो पर्याप्त रूप में सुसज्जित है। मतलब पेशेंस एक गहना है, मान लीजिए हमारी तरफ जो सब लोगों का मतलब मानसिक शारीरिक या भावनात्मक जो तीर आ रहे हैं या फिर कोई एरोज हमारे पास आ रहे हैं तो उन सब से बचने के लिए हम अगर सुसज्जित हैं तो वो उसको धैर्य कहा जाएगा। पर धैर्य उस व्यक्ति के लिए चेतना की स्थिति है जो प्रयासों में बुराई को मारने देना चाहता है। और जैसे उस व्यक्ति का चेतना की स्थिति यह है कि वो जानता है कि प्रकृति के नियम उसे उसके परिश्रम और श्रम के कारण भविष्य में उसको उसका वैल्यू मिलने वाला है, लेकिन धीरज धरने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप तब तक इंतज़ार करें जब तक आपकी बुराई आपको पूरी तरह निगल ना ले। देखिए दोस्तों, लेखक ने पेशेंस को कितनी क्लैरिटी से यहाँ पे व्याख्या किया हुआ है जिसमें लिखा है लोगों को ऐसा लगता है कि धैर्य समय की लंबाई में मापा जाता है। मतलब कितना समय हमने पेशेंस रखा उस हिसाब से करा जाता है हम मानते हैं कि धैर्य उसी तरह से काउंट होता है, लेकिन उसके विपरीत धैर्य को लाइट की स्पीड से भी अधिक तेज़ी से कार्य करता है, लेखक लिखते हैं, जब उसकी आवश्यकता रहती है। पेशेंस बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम डिले करें या फिर आगे डालते रहें कि ये सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी, हमें वो लाइट की स्पीड से भी अगर हमको करना मतलब रिएक्ट करना पड़ा तब भी वो करना चाहिए। धैर्य का उपयोग प्रकाश की लड़ाई में प्रवेश करने से पहले अपने को एक कवच के तरह हम लेस करते हैं। मतलब अगर हम डार्क एंड जो वाइट फोर्सेस अगर वहाँ पे एक युद्ध चल रहा है मान लीजिए, तो धैर्य क्या है, जब डार्क फोर्सेस को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो एक कवच की तरह हमें हमारे ऊपर वो काम करता है जब हम डार्क फोर्सेस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो मानव जाति के दुश्मन इस धैर्य के बारे में गलत विचार सिखाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा और रुको, धैर्य रखो, और इस अवधि के दौरान आपका वो नींव को ही नष्ट कर देते हैं। एक गलत फहमी एक गलत फहमी भी आपका एक कर्म बनाता है, भारी कर्म जो हमारे लिए बहुत विनाशकारी होता है। इस प्रकार कर्म भी आप क्या नहीं करते हैं तब भी कर्म बनाया जा सकता है। तो हम उन चीज़ों को ना करें जिसमें अधिक कर्म का निर्माण करते हैं, हम उन चीज़ों को करना चाहिए जो हमें नहीं करना चाहिए था। और इसमें से हम समझे, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर दें, मान लीजिए एक कॉकरोच आ रहा है घर पे, हमने अगर एक कॉकरोच को नहीं मारा तो वो क्या होता है, बाकी थोड़े टाइम आगे चल के वो भर भर के बहुत सारे कॉकरोच हो जाते हैं। तो उसी तरह हमें जब एक्शन पे रिएक्ट करना चाहिए हमें इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए, ना कि वेट करके उसके वो हमारी जब तक हमें परेशान करके हमारी नींव ना नष्ट कर दे तब तक वेट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही, हम कल बात करेंगे चौथा चैप्टर जो है कर्म एज अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।